गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं कार बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। परसों हम लोगों ने ऑल ऑफ सडन प्लानिंग किया कि कहीं घूमने जाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिप लाइक 4-5 डेज का। बट कहाँ ये भी प्लानिंग मतलब किया नहीं था, प्री प्लानिंग, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे बैठ के सोचा कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट बना लें, और बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग दूसरे दिन सुबह निकल गए। और फिर आप लोग देख लो कि हाउ आर जर्नी स्टार्टेड एंड कैसे और क्या क्या, बीच में बहुत सारे गड़बड़ हुए भी, बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़े। ओके गाइस, चलो बाय। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। जर्नी स्टार्ट नहीं की के रुक गई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और क्यों है ये पता नहीं, यूजुअली ये रोड पे तो कभी ट्रैफिक होता ही नहीं है। बोल रही है क्या, काम चालू है इसके लिए ट्रैफिक है? ओहो, ये तो पता ही नहीं था मेरे को। यहाँ पे कुछ लोग ऊपर पैराग्लाइडिंग करते हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपर, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। कौन सा एरिया है वो, वहाँ पे कहाँ पे? लोनावला में स्टार्ट किया ना पैराग्लाइडिंग? लोनावला पीछे गया मैडम, इधर जो कोई भी है इधर पर ठीक है। क्या बोलती है? ओके वैसे ये कि ये रोड मतलब ऐसे जितना भी देखो बोर नहीं होता ना, पकता नहीं है यहाँ पे? पकता है। जैसे मतलब पाम्बिश रोड है नवी मुंबई में, उसी हिसाब है इसका भी, बस थोड़ा लंबा है। ये देखो तड़फड़ रहा, मतलब दूसरा कोई तड़फड़ेगा इसके चक्कर में क्या? फर्स्ट टोल क्रॉस कर लिया मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे, सुबह निकलने में भी लेट हो गया। एक्चुअली सुबह 6 बजे निकलने का प्लान था, बट मैंने बोला दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो हम लोग 9 बजे निकलने का ट्राई किया और फाइनली हम लोग निकले 11 बजे। है ना, 10 घंटे का जर्नी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, स्टे ट्यून। और यहाँ पे ये रोड पे तो कुछ अलग है नहीं दिखाने के लिए, सो लेट्स सी आगे जाके कौन सा रूट लेता हूँ और फिर चलते हैं। सो गाइस, फर्स्ट टोल क्रॉस कर दिया, सेकंड टोल भी आ गया, ट्रैफिक कुछ कम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा है। सो अरे लाइट्स ऑन है, लाइट्स ऑन। अभी थोड़ा धूप चला गया, क्लाउडी वेदर है ना, मेरे को लगता है इतने पैच पे। एक छोटी सी दुविधा समस्या यहाँ पे आ गई है, दिस इज द खंबाट की घाट। चालू होने के पहले अभी 3:15 बजे, 3:15, और गाड़ी पंक्चर हो गई, आई मीन टायर। दिस इज द कल्प्रेट। तो गाइज एक दुविधा, पता नहीं सुबह से क्या चालू है,
दिस थिंग, जो ये भाई साहब का था वो तो टूट गया, और ये है वो बेंड हो गया। ये टूटा तो नहीं, जो मतलब ऑफकोर्स कंपनी प्रोवाइड करती है महिंद्रा, पर बेंड हो गया, और वो जो उसका नट रहता है ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। दिस वन, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर से ही पंक्चर रिपेयर करने के लिए। दिस इज़ अ कल्प्रिट। ये सच्ची में मतलब ऐसे टाइम पे ना फ्रस्ट्रेशन लेवल इसका कुछ ये नहीं रहता। रखूँ या फेंक दो इसको? अब ऐसे टाइम पे चिड़चिड़ किरकिर करके फायदा क्या है? तो अभी बात ऐसा है कि वो जो बोल्ट है वो बहुत बड़ा था और उससे भी पंक्चर रिपेयर नहीं हुआ, तो वो अंकल अभी गए हैं मशीन लाने के लिए कि वो जब नट खुलेगा तभी पंक्चर बनेगा, तभी यहाँ से निकल पाएंगे। अगर इनकेस अगर वो नट नहीं खुला और वो वैसे ही रहा या फिर स्लिप हो गया, उसके थ्रेड्स ख़राब हो गए, तो फिर वही लग गए हवा भर भर के चले। स्पोर्ट बाइक जा रहे हैं, जान चला रहे हैं। एक्चुअली अपन तो आलसी बना कर रखे स्लो स्लो आके, 60-70 के स्पीड से हम लोग आ रहे थे, ये गलत किया। एटलीस्ट स्पीड मेंटेन रखना चाहिए, सारी चीज़ें अपने टाइम पे बराबर हो जाती हैं। फिर आई विल शो यू कि कैसे वो वापस लीक हो रहा है। सी गाइस, दिस इज द थिंग, इसमें दो स्टिक्स ऑलरेडी है फिर भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज हो गया है। और ये नट जब खुलेगा तब टायर खुलेगा और अंदर से पंक्चर बनेगा। अगर ये नहीं खुला तो फिर हो गया काम, मतलब बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा इशू हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी वो गए तो है लेने के लिए, अभी लेने के लिए गए तो है वो मशीन, तो देखते क्या होता है। पंक्चर रिपेयर तो नहीं हुआ, व्हील खुला ही नहीं, वो नट है वो उसके थ्रेड सब ख़राब हो गए, तो अभी उसमें कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो एक तो कोल्हापुर में सिटी में जाके वो काम करा के लूँ, या फिर रिटर्न बॉम्बे पहुँचूँगा। तब उसने जो दो स्टिक्स टायर के अंदर डाले वो वापस निकाल के उसने अलग तरीके से डाले, तो पंक्चर तो बन गया। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अराउंड 60 किलोमीटर हो गया ना, 30 किलोमीटर हो गया होगा, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे भी ना रहे, तो अभी प्लान है कोल्हापुर में रुक के दो तीन चीज़ें खरीदने जो ज़रूरी है, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत टाइम गया, अभी इट्स ऑलमोस्ट 6:00 इवनिंग, 6 नाइट ड्राइव करना। यार इतना साउथ घूम के आए, इतना टेंशन नहीं हुआ नहीं जितना आज एक दिन में हुआ। सीरियसली कुछ पनौती पीछे पड़ जाती है ना तो वो रहती है, एक टाइम तक रहती है फिर निकल जाती है, फिर कोई टेंशन नहीं है। सो विद दैट सेट आगे निकले हैं। देखो रोड देखो कैसा है, ट्रैफिक भी कुछ कम नहीं है, आज सैटरडे वीकेंड लोग हर जगह से बाहर पड़े। और अभी टाइम हुआ है 8:30। अभी एयर कंप्रेसर तो मिल गया है यहाँ पे, तो आगे जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट वो जो व्हील स्पैनर रहता वो नहीं मिला, तो ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि पंक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब जो रिपेयर किया तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी यहाँ से डिनर करके वापस हाईवे।
प्रेजेंट अभी कोल्हापुर में, रात को यहाँ पे स्टे किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बहुत नींद भी आ रही थी, तो सोचा कि रुक जाते हैं, फ्रेश होके सुबह ही निकल लेते हैं, यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं। सो गाइस, सी यू ऑन रोड, स्टे ट्यून। गोवा इज 158 किलोमीटर, सावंतवाड़ी इज 104 किलोमीटर फ्रॉम कोल्हापुर से निपानी 42 किलोमीटर जाना है, उसके बाद में राइट लेके 158 किलोमीटर गोवा। This ain't love at first sight, 'cause I know how this works. I got my ABCs right. Oh, so let's play pretend.